तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सबको स्मार्ट टीवी बॉक्स दिखा रहा हूं। दोस्तों इस बॉक्स की करेंगे अनबॉक्सिंग, साथ ही दोस्तों हम बताएंगे ये बॉक्स कहां से मिलेगा, किस प्रकार से आप इस प्यारे से स्मार्ट टीवी बॉक्स को खरीद सकते हैं, पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं देवांश फ्री डिश यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों देवांश फ्री डिश यूट्यूब चैनल नया यूट्यूब चैनल है, इसे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों देवांश फ्री डिश यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं 4GB रैम और 32GB रोम वाला 2.4G प्लस 5G सपोर्टेड RK3318A96XR3 स्मार्ट टीवी बॉक्स। इस स्मार्ट टीवी बॉक्स को आप लगाते हैं अपने टीवी में तो दोस्तों आपका टीवी नॉर्मल डब्बा टीवी बन जाता है स्मार्ट टीवी बॉक्स। तो दोस्तों यहां से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसकी अनबॉक्सिंग मैं कर रहा हूं। और दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कितनी प्यारी क्वालिटी में दोस्तों कितना प्यारा एंड्रॉयड टीवी बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है। इस एंड्रॉयड टीवी बॉक्स की खासियत दोस्तों बहुत जबरदस्त है, चला के दिखाऊंगा। A95X यहाँ पे दोस्तों एक मेमोरी लगाने का स्लॉट है, दो दोस्तों USB लगाने के स्लॉट इस एंड्रॉयड टीवी बॉक्स में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों है ना जबरदस्त एंड्रॉयड टीवी बॉक्स। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पीछे दोस्तों पावर इन का ऑप्शन है, वहीं पे दोस्तों आपको HDMI लगा सकते हो, इंटरनेट लगा सकते हो और दोस्तों ऑप्टिकल केबल भी लगा सकते हो, ऑडियो वीडियो लीड भी यहाँ पे दोस्तों आप लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 4GB रैम और 32GB रोम वाला एंड्रॉयड टीवी बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, काफी जबरदस्त वाला। दोस्तों इसका सीरियल नंबर भी आप लोग देख सकते हैं, इसका जो सीरियल नंबर है यहाँ पे, यहाँ ये रहा दोस्तों इसका डिस्प्ले। और ये डिस्प्ले दोस्तों काफी अच्छा अट्रैक्टिव डिस्प्ले है। बॉक्स में देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या है, कैसे कैसे है दोस्तों, तो सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सबसे पहले HDMI केबल, दोस्तों HDMI केबल काफी हैवी वाला HDMI केबल ये लोग देते हैं। वहीं पे दोस्तों आप लोगों को एक और चीज मिलता है, ये रहा दोस्तों एडाप्टर, और ये एडाप्टर दोस्तों काफी अच्छा वाला एडाप्टर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं फर्स्ट लुक फर्स्ट इम्प्रेशन, पूरी पंगनी सील मोहर पैक है दोस्तों। एडाप्टर आप देख सकते हैं 5V DC 2A का ये एडाप्टर आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे जो ये पिन लगेगी ये वाली लगेगी, इसे साइड में रखते हैं दोस्तों। और अब दोस्तों हम आपको इसका यूजर मैनुअल बड़ा मोटा दोस्तों किताब मिल गया है, और इस किताब को दोस्तों हम आप लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस किताब को, और इस किताब को दोस्तों आप बड़ी आसानी के साथ इस किताब की मदद से दोस्तों आप देख सकते हो बड़ी आसानी के साथ, यहाँ पे देखिए आप लोग। और ये रहा दोस्तों इसका रिमोट, और बाकी बॉक्स में कुछ नहीं है दोस्तों। और इस रिमोट को दोस्तों हम यहाँ पे रखते हैं दोस्तों, रिमोट भी दोस्तों इसका बड़ा ही अच्छा वाला रिमोट दोस्तों आपको देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये रिमोट है दोस्तों, यहाँ पे ये वाला रिमोट है, और ये पन्नी से मैंने निकाल दिया इस रिमोट को दोस्तों। और आप लोग देख सकते हैं इस रिमोट को, कितना प्यारा रिमोट दोस्तों ये हमें देखने को मिलता है। दोस्तों इस रिमोट में आगे के जो ऊपर के जो 5 बटन हैं वो बटन दोस्तों टीवी में कनेक्ट करने के लिए थे। यहाँ पे जो बैकग्राउंड लगा हुआ है इसका 5 बटन्स का, टीवी का पावर इन पावर ऑफ का बटन है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस बॉक्स में दोस्तों आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस बॉक्स में। अब दोस्तों मैं आप सबको यहाँ पे अनबॉक्सिंग करके इस बॉक्स की दिखाऊंगा, और दिखा चुका हूँ, और मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, पावर सप्लाई दे रहा हूँ, और जो हमारे पास कंप्यूटर का मॉनिटर है उसमें दोस्तों मैं आप लोगों को चला के दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसे बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलती है, और मिलती भी है दोस्तों तो वही फर्जी इन्फॉर्मेशन लोग देते हैं। तो दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, सच और झूठ, सही और गलत के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। दोस्तों इस बॉक्स में जियो टीवी ऐप, जियो DTS नहीं इस बॉक्स को बोलेंगे, ये तो एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है, लेकिन दोस्तों स्मार्ट टीवी बॉक्स है। तो दोस्तों इसमें जियो टीवी ऐप भी काम करता है बड़ी अच्छी तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉयड लिखा हुआ आ चुका है।
अब दोस्तों ये बॉक्स ऑन हो रहा है और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं शुरुआत में ये लोडिंग लेगा और यहाँ पे दोस्तों लोडिंग ले चुका है और दोस्तों ये आपकी जो नॉर्मल टीवी है वो स्मार्ट टीवी बन चुकी है। यहाँ पे दोस्तों आप तमाम सारे एप्लीकेशन का मजा ले सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो। इसमें दोस्तों अगर आप थोड़े से जानकार व्यक्ति हो तो दोस्तों जियो टीवी भी चला सकते हो। जियो टीवी ऐप यहाँ पे इंस्टॉल करके कोडी टीवी भी आप यहाँ पे चला सकते हो इस बॉक्स में इंस्टॉल करके। फाइल एक्सप्लोरर है, गूगल है, सेटिंग है, वाईफाई डिस्प्ले के एड ऑन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, नेटफ्लिक्स मिल जाता है, टीवीएमसी मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस सर्च, रिमोट इसका वॉइस सर्चेबल है, डीएलएनए है और प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर भी आपको देखने को मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों टू में टीवी मीडिया सेंटर, हम यहाँ पे आप लोगों को ओपन करके दिखाते हैं। दोस्तों टीवी मीडिया सेंटर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, टीवी मीडिया सेंटर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों दिखाई देता है और यहाँ पे दोस्तों वही चीज़ है, कोडी टीवी है और इसका नाम यहाँ पे टीवी मीडिया रखा गया है। इसमें दोस्तों हम ऐड करने का तरीका आप लोगों को बताएंगे, लेकिन दोस्तों अभी नहीं, आप लोग अगर हमसे डिमांड करते हो तो दोस्तों अपने मोबाइल से आप हॉटस्पॉट इसमें कनेक्ट कर दीजिए, वाईफाई कनेक्ट कर दीजिए। लेकिन दोस्तों कुछ ज़रूरी ज्ञान मैं आप लोगों को दूंगा जो कि दोस्तों यूट्यूब पे कोई नहीं देता। दोस्तों अगर आप मोबाइल से अपना स्मार्ट टीवी या एंड्रॉयड टीवी चलाना चाहते हो, अगर इसलिए आप ले रहे हो तो मत लेना, क्योंकि दोस्तों स्मार्ट टीवी और एंड्रॉयड टीवी बॉक्स एक घंटे में आपका 4GB 5GB खा लेंगे और आपको मिलता कितना है 1.5 से 2GB 3GB तक या 4GB मान लें तो क्या कर पाओगे। अगर आपके पास ब्रॉडबैंड लगा हुआ है तो दोस्तों ये बॉक्स आपके लिए है और आप इसके हकदार हैं, आप इसे खरीद सकते हैं। वरना अगर आपके पास एक नॉर्मल सा लगा हुआ है, नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन है, मोबाइल से यूज करना चाहते हो तो दोस्तों बहुत ही बेकार होगा, मोबाइल से आप इसे नहीं सही तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। दोस्तों ये सारी डिटेल तो मैंने आप लोगों को दे दी। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो है, हम अपना वाईफाई आपको कुछ इस प्रकार से पासवर्ड कनेक्ट करना है और उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं ओके कर देना है। ओके कर देंगे और आपके पास ये कनेक्ट हो जाएगा और आपके पास दोस्तों यूट्यूब और तमाम सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में चलने लगेंगी। दोस्तों आप पा सकते हैं एंड्रॉयड टीवी बॉक्स बिल्कुल फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल देवांश फ्री डिश की तरफ से। इस वीडियो को सबसे पहले लाइक और सबसे पहले सब्सक्राइब करते हो चैनल को और प्यारा सा कमेंट करते हो तो दोस्तों मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों।